the mic. This is the Virat Kohli. This is the Virat Kohli. Virat Kohli. माइंड से खेलता है किंग जो है, माइंड से खेलता है, माइंड से, बैट से नहीं, माइंड से खेलता है. किसी एक जगह का वो लिमिटेड प्लेयर नहीं है, वो एक ब्रांड है जिसको पूरी दुनिया देख रही है, कहीं पे भी जा रहा है तो विराट विराट ही है. Exactly. बाकी प्लेयर जाके कहीं ना कहीं जाके वो छुप जाते हैं या अंडर परफॉर्मेंस के साथ वापस आ जाते हैं. ये इंडिया खेले, साउथ अफ्रीका खेले, ऑस्ट्रेलिया खेले, कहीं पे भी चला जाए वो अपनी प्रेजेंस और अपने स्किल्स से डोमिनेट करता है. Exactly. तो मुझे लगता है कि तमाम प्रेज जो है वो विराट के लिए होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. और जैसे राशिद भाई ने बात की, मैं भी ये मानता हूँ कि कुछ जो ऊपर वाला अल्लाह की जात है वो नवाजता है. जब आप मेहनत करते हैं वो ग्राउंड के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी वो मेहनत है वो रिफ्लेक्ट करती है. तो इनके स्किल्स, इनका माइंडसेट, इनका विजन, इनके वर्क एथिक्स वो इतने स्ट्रांग हैं कि इन्होंने अपने आप को स्टैंडर्ड के ऊपर रख के मेहनत करना, उसको मेंटेन करना, प्रैक्टिस को कभी लाइटर नहीं लेना, प्रैक्टिस को कभी मिसयूज ना करना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे इकट्ठा करके हमें विराट की ये वाली स्पेशल इनिंग्स या इससे पीछे इनके जो 7-8 साल के कैरियर में जिन्होंने जो कुछ भी अचीव किया उसकी वजह है वो सिर्फ और सिर्फ वर्क एथिक्स हैं. तो मैं उनका फैन भी हूँ. ऑब्वियसली उनकी क्रिकेटिंग कैरियर में जो उन्होंने अचीव किया, विद द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि एक ऐसा बड़ा रोल मॉडल है पूरी दुनिया के उन बच्चों के लिए, पूरी दुनिया के उन यंगस्टर्स के लिए जो खेलना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को अपने नेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए रेडी करते हैं और कैसे डे बाई डे आप अपने आप को इनहेंस करते हैं व्हेन इट कम्स टू द स्किल. विराट कोहली मुझे वो एज ए ह्यूमन भी बहुत हम सबको अच्छे लगते हैं. हाँ. अब एक ट्रिविया है छोटा सा क्रिकेट के बारे में. हाँ. आपको नहीं भी पता तो आप अंदाजे लगा सकती हैं. अच्छा. कितना हुई होगा. क्रिकेट की पिच कितनी लंबी होती है, यार्ड्स में होती है, इतना बता दो. यूनिट उसका मेजरिंग यूनिट यार्ड होता है. यार्ड होता है. कितने यार्ड्स? आई डोंट हैव ऑप्शंस. मैं बता देता हूँ. 11 यार्ड्स, 34 यार्ड्स और 22 यार्ड्स. 11 तो बहुत कम है. सही है. इट्स ईदर 34 22. 34 रॉन्ग आंसर. 22 यार्ड्स. 22. सही. आखिरी सवाल, विच बॉलर हैज द रिकॉर्ड ऑफ सेकंड फास्टेस्ट डिलीवरी इन वर्ल्ड क्रिकेट? आई नो द फास्टेस्ट. शोएब अख्तर. दूसरे कौन है? पाकिस्तान से उनका भी ताल्लुक है. आजकल पाकिस्तान से ताल्लुक है उनका. आजकल कीवर्ड है आजकल. वो कहते हैं ना, वो फिल्म भी थी जवानी फिर नहीं आनी, उसमें डायलॉग था पीस बड़ा टेट है. इज इट शॉन टेट? ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 100.2 माइल्स पर आर की रफ्तार से बॉलिंग करी. सेकंड फास्टेस्ट बॉलर. लेकिन आयशा को काफी पता है 34 यार्ड की पिच भी बनती है अक्सर बन जाती है. देखा? हाँ, हमारे बॉलर जब करा रहे होते हैं तो विकेट 34 यार्ड्स की लगती है. क्या होगा सर? देखिए अभी दूसरे ग्रुप में अगर हम देखें तो सारी टीमें 3-3 मैचेस खेल चुकी है और साउथ अफ्रीका जो है वो 5 पॉइंट्स पे है. अनफॉर्चुनेटली इनका पहला मैच जो था वो वॉश आउट हो गया, रेन आउट हो गया था. उसके बाद इंडिया भी 3 मैचों में से 2 मैच जीता हुआ है, बांग्लादेश भी 3 में से 2 जीता हुआ है और पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे है. जिम्बाब्वे के भी 3 पॉइंट्स हैं. इधर टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी बहुत फेवरेबल जो है वो है इंडिया और साउथ अफ्रीका के लिए. उसकी वजह यह है कि साउथ अफ्रीका का एक मैच नीदरलैंड के साथ है, एक पाकिस्तान के साथ, विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह हम अगर साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं तो हम लोग 4 पॉइंट्स पर आ जाएंगे 4 उसमें. और 4 मैचों में जो साउथ अफ्रीका वो भी 5 पॉइंट्स पे होगा. लेकिन क्योंकि उनको नीदरलैंड के साथ खेलना है तो दे कैन ऑलवेज विन दैट गेम और वो 7 पॉइंट्स पे, और अगर बारिश भी हो जाती है तो 6 पॉइंट्स पे उनका रन रेट बहुत ज़्यादा काउंट करेगा. पाकिस्तान को अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि इंडिया को अपने जो 2 मैचेस खेलने हैं, एक उनको नीदरलैंड के साथ खेलना और एक उनको बांग्लादेश के साथ. नीदरलैंड से वो खेल चुके हैं, जिम्बाब्वे से खेले, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के साथ खेलना. तो यू नो दे आर ऑल्सो इन अ रन के जिधर उन्हें पता है कि उनको एक मैच जीतना और थोड़े अच्छे रन रेट से जीतना है, वेयर दे विल बी एबल टू बीट द रन रेट ऑफ पाकिस्तान. और अगर उनके दोनों मैच में बारिश हो जाती है इंडिया के, स्टिल दे आर ऑन 6 पॉइंट्स और पाकिस्तान दोनों जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान इज ऑल्सो ऑन 6 पॉइंट्स. कुदरत का निज़ाम है, कुछ भी हो सकता है. सर देखिए मेरा अल्लाह करे कुदरत का निज़ाम जो है वो हमें फेवर करे क्योंकि इस वक्त तो हम लोग 0.7 पे और इंडिया 0.8 पे. सो यू नेवर नो. देखे इंडिया को वैसे बांग्लादेश हरा सकता है. अच्छा, हराया हुआ है पास, क्रिकेट है भाई, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है. अगर हमें हरा सकता है तो बांग्लादेश इंडिया को क्यों नहीं? ये देखे वी कैन एक्सपेक्ट दोस थिंग्स ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी. देखो
एज पाकिस्तानी वी शुड एक्सपेक्ट दैट कोई अच्छा गुमान रखे कोई एक अच्छा सा होप फॉर द बेस्ट कोई मेरे लेकिन सारा काम अगर कुदरत ने करना है तो हमारे लड़कों ने क्या करना है पहले तो अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां तक नौबत आनी नहीं चाहिए सिंपल इज दैट सनी भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप क्रिकेट हमारी विश के मुताबिक चल रही होती काश क्योंकि ये मैचेस जो हैं ये इंडिया एशिया में नहीं हो रहे ये हम बार बार कहते हैं तो बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो मेरा ख्याल है वहाँ उनको इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है आपने अच्छा। कल की उनकी परफॉर्मेंस गो की अच्छी नहीं थी आउट हुए मगर उन्होंने फाइट किया उनके एंड तक बैटिंग है अगर आप कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ तो वो तो फिर यार बहुत ही गंदा दिन होगा तो आप जीत सकते हैं जैसे हमारा जिम्बाब्वे के साथ ऐसा कोई गंदा हो सकता है ना जिम्बाब्वे के साथ तो हमारी बैटिंग नहीं है ना आप ये एक चीज नोट करो कि हमारे नीचे लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन है वो आप इंडिया के साथ कंपेयर करते हो आप ऑनेस्टली बताओ आप इंडिया के साथ कंपेयर करते हो आप नहीं करते लेकिन आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया के भी ऊपर के बैट्समैन हैं दोनों वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर वो अर्ली ऑन विकटें ले सकते हैं तस्कीन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है मुस्तफीज फॉर्म में वापस आ गया मैदी अच्छी बॉलिंग कर रहा है अगर आप बात करें ना देखो इसमें कोई शक नहीं हार तो बांग्लादेश हरा जरूर सकता है इंडिया को लेकिन ऑन कार्ड्स अगर मैं देखूं या ऑन कार्ड्स तो आप मैं देखूं तो नहीं कर सकते ना मैं तो एक क्रिकेट बांग्लादेश जो हो सकता है वो बांग्लादेश का जो बॉलिंग लाइनअप है ना दैट इज नॉट दैट मच ऑफ एन अटैकिंग और स्टे पॉजिटिव भाई नहीं हम तो हैं हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान देखे सबसे पहले तो ये है कि जो पाकिस्तान का 3 तारीख को मैच है रिगार्डलेस जो भी हो रहा पाकिस्तान वो मैच जीते ताकि हम थोड़ा सा और करीब आए चीजों के फिर उसके बाद अगर लेकिन विकी भाई देर हो गई जो करीब आने के जो मौके थे बाबर ने खुद कहा कल के मैच के बाद नीदरलैंड्स वाले मैच के बाद कि हम इससे बेहतर जो है वो चेस कर सकते थे इससे अच्छा कर सकते थे हाँ उन्होंने कहा एक्चुअली देखें ये जो बातें हैं ना ये एक आम पब्लिक करे ना तो समझ आती है एक जो क्रिकेट को अंडरस्टैंड करता है क्रिकेट को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि हम डिजर्व करते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए हम डिजर्व ही नहीं करते इवन मेरा ख्याल आई एम सॉरी कि लोग माइंड करते हैं कि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं जो हमने क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में जो हम छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं हम चेज नहीं कर पा रहे सिवाय हमारी बॉलिंग थोड़ा सा आपको फिर भी एक पॉइंट ऐड जी असल में हमारा जो पहला कप था ना वो भी इसी तरह निकला ना ये हो गया वो हो गया बारिश हो गई वो तो वो लोगों की आदत सी बन गई है कि इसी तरह पहुंचे कुदरत ले जाएगी बाकी आखिर में हम खेल लेंगे यार ये आम पब्लिक के लिए तो ठीक है मगर एज ए प्रोफेशनल जो हम लोग खेले हुए हैं हमें दूसरी टीम को देखना चाहिए कि वो कैसी है हाँ अंधे हो जाएं तो दूसरी जो रात को क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने खेली है मुझे मतलब इस टाइम तो जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है ये 70-30 परफॉर्मेंस ये साउथ अफ्रीका जो दे रहा है और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं आप देख ले मैंने भी 70-30 का लेकिन मैंने पाकिस्तान को 70 का आपने पाकिस्तान को आपकी